Hello, good morning, friend. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewari, PG Accountancy. Yes, friends, today we are discussing our chapter 6, dissolution of partnership firm and the general entry based question. Yes, yes, friends. Question number 36. तो देखिए इसके लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे, 3000
house capital account debit to realization account. To realization account, यहाँ पे जो amount आने वाला है आपका वो आने वाला है 17,000. Yes, yes, yes. नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लास्ट जो एंट्री रहेगी आपकी फोर बैंक लोन ऑफ रुपीज 3 लाख वाज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000. यहाँ पे सारे बच्चे चेक कर लेना 3 लाख का बैंक लोन दिया हुआ है प्लस आपको 21,000 इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो टोटल यहाँ पे जो लाइबिलिटी का पेमेंट करने वाले हैं वो 3,21,000 है. उसके लिए एंट्री कर रहे हैं कि लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे ये एंट्री हम लोग बनाने वाले हैं पेमेंट हम करेंगे 3,21,000. आई थिंक बेटा सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो गए प्रॉफिट में छोड़ दीजिए. तो इसके लिए हम लोग एंट्री क्या बनाने वाले का सबसे
यहाँ पे एंट्री हम लोग बनाने वाले का स्टॉक का पहला एंट्री आपका बन गया है 32,000। नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे उसके बाद देखिएगा जो रिमेनिंग स्टॉक है उसको 20% आपने का कॉस्ट 40% जो आपका प्रॉफिट है रिमेनिंग यहाँ पे आपका 50% 40 का ही बचेगा उसको 30% प्रॉफिट पे यानी 12,000 प्रॉफिट पे सोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52,000 सोल्ड कर रहे हैं यानी मार्केट में सोल्ड करेंगे तो इसका सेकेंड एंट्री क्या बनेगा थर्ड का बैंक डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का यहाँ पे एंट्री हम लोग पास करने वाले हैं और अमाउंट यहाँ पे हमारा होने वाला है 52,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट वन वाला एंट्री रहेगा यहाँ पे अबिल रिसीवेबल अबिल्स रिसीवेबल और 3,100 डिस्काउंट बाद दिस ओनर एज द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट हैंस द बिल हैड टू मीट बाय द फर्म। देखिए बेटा ये बिल जो है हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट कराया था बट वो दिस ओनर हो गया तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा हमारे लिए रूल है एंट्री जनरेट हो रही है तो उसके लिए हम लोग एंट्री यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लॉस हो रहा है हमारे को टू बैंक अकाउंट हमें ही पेड करना पड़ेगा बैंक वालों को बेटा टू बैंक 3,000। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो आ डेबिट बैलेंस। देखिए बेटा बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ पे लॉस बैलेंस है लॉस के लिए पार्टनर हमारे डेबिट हो जाएंगे पार्टनर कौन कौन है हमारे पास अधिराज अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट सेकेंड है करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे हो जाएगा अपना रियलाइजेशन का लॉस है सॉरी बेटा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस है और यहाँ पे जो लॉस का बैलेंस रहेगा बेटा आपका वो होने वाला है 56,000 जिसको आपने बेटा एग्रीड रेशियो में जो है वो डिवाइड कर लिया और रेशियो हमारे यहाँ पे पार्टनर का 3:1 तो 56,000 को आपने 3:2 में डिवाइड कर लिया यहाँ पे बैलेंस आ रहा बेटा आपका 33,600 ये अभी आज के अकाउंट में जाने वाला है 22,400 जो है करंट के अकाउंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लास्ट एंट्री सिक्स एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 2,000 विच वर पेड बाय अधिराज बेटा फर्म का लायबिलिटी है पेड पार्टनर कर तो एंट्री क्या बनेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू अधिराज टू अधिराज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अमाउंट आने वाला है आपका 2,000। तो इस तरीके से बेटा आपने एंट्रीज बना लेनी है लास्ट पर इसका एक या दो क्वेश्चन ऐसा बचा जिसका हमें प्रैक्टिस करना है बाकी ओवरऑल हमने इस चैप्टर की सारी प्रैक्टिस कर ली है आपने आज इसका बेटा 40 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करना है रिमेनिंग हम पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।